बड़ी सौगात के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। 20 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पूर्वांचल वालों को दर्जनों परियोजनाओं की सौगात देंगे। जी हां, हम मौजूद हैं इस समय वाराणसी के सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ठीक हमारे पीछे देखिए कि कुर्सियाँ लग चुकी है जहाँ पर लोग बैठेंगे और उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। इसके अलावा बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा उनके आगमन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त की जा रही हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में यही वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। निश्चित ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का यह दौरा पूर्वांचल वालों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है और इसी जगह से काशी वालों को वो संबोधित करेंगे। ये देखिए, ये ठीक हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट का भी जिक्र करना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, एक नया आकार दिया गया है जहाँ इंडोर आउटडोर खेलों की व्यवस्थाएँ होंगी। प्रशासन द्वारा ये कहना है कि तकरीबन 6 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के इस मंच से क्या कुछ संदेश देते हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान तकरीबन 6 घंटे तक वो काशी में रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा संबंधित विषयों को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। हमारे साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आगमन को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। सुरक्षा के कई घेरे बनाए जाएंगे जिसमें प्रथम घेरा SPG का होगा, उसके बाद स्थानीय पुलिस रहेगी, ATS के कमांडोज तैनात रहेंगे, PAC की कंपनियां लगाई जा रही हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात रहेगा। ड्रोन के माध्यम से, CCTV के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस की नज़र रहेगी। एक कंट्रोल रूम बनेगा जहां से एक एक व्यक्ति जो जनसभा स्थल में आएगा या उसके आसपास खड़ा होगा उसकी गतिविधि हमारे निगरानी में रहेगी। ट्रैफिक का इंतजाम इस प्रकार से किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो रैली में आना चाहता है उसको 100 से 200 मीटर अधिकतम चलना पड़े। पार्किंग बहुत नज़दीक दी गई हैं, आम पब्लिक को भी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए रूट डाइवर्जेंस किए गए हैं कि ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। जो जनसभा स्थल है वहाँ पर वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग होगी और कोई भी ऐसा उनके पास चीज़ नहीं मिलती है जो कि अलाउड नहीं है, जैसे पानी की बॉटल्स अलाउड नहीं है, कोई काला कपड़ा उसमें अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो प्रतिबंधित है, माचिस, सिगरेट, ये सब चीज़ें जनसभा स्थल के अंदर अलाउड नहीं है। इसके लिए DFMD लगाए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए इनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। सघन चेकिंग के बाद ही जो लोग रैली स्थल में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा कुल मिला के 50 गजेटेड अफसर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के लिए तैनात किए गए हैं। लगभग 9000 की संख्या में पुलिस फोर्स और कमांडोज हमारे तैनात रहेंगे। कई इसमें हम लोग ऐसी टीमें बना रहे हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित होंगी और वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैनात रहेंगी। ये टीमें हम स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर तैनात करेंगे। रूप टॉप ड्यूटियाँ, छतों पर जो ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बायनोकुलर लेकर के फोर्स के जवान तैनात रहेंगे ताकि दूर दूर तक वो हर व्यक्ति पर दृष्टि रख सके। सोशल मीडिया से लेकर असामाजिक जो कृत्यों के लिए भी कुछ लोग रहते हैं, क्या उन पर भी कड़ी नज़र रहेगी? देखिए, ऑलरेडी हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव हो गया है और ऐसे तत्वों पर लगातार हम लोग नज़र रखे हैं जो इस तरह के ट्वीट्स या इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है या मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई। अभी कुछ दिन पूर्व ही ऐसे एक वीडियो किसी ने वायरल किया था तो उसमें 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कड़ी नज़र रखे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति कोई इस तरह का गलत कृत करेगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के काशी आगमन को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.